जंगल में एक बात बहुत अच्छी होती है और वो ये कि जब दो शेर आमने सामने खड़े हो तो भेड़िए उनके आसपास नहीं रहते। तुमने हमारा नाम जरूर सुना होगा, परशुराम। हमारे बारे में मशहूर है कि हम लोगों की शादियां भी कराते हैं और श्राद्ध भी। शादी और श्राद्ध, ये दोनों काम करने की पुरोहित मजदूरी लेता है। अगर तुम भी ये दोनों काम करते हो तो मजदूरी ही तुम्हारा पेशा रहा। ये मत भूलो कि आज का दौर मजदूरों का दौर है और आज का मजदूर अपने पांव की ठोकरों से बड़े बड़े बादशाहों की तकदीर लिखता भी है और मिटाता भी। हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद इंसानियत की दहलीज से शुरू होकर रहम और ईमानदारी के इलाके से गुजरती हुई दिल के दरवाजे पर खत्म होती है। हमारी पृथ्वी में अमन और चैन की फसलें मुस्कुराती हैं जो हम मजदूरों में बांट देते हैं। तुम भी कभी चले आना। अजी हम प्यारे मित्रों, हमें खेद है कि कार्यक्रम शुरू होने में कुछ समय लगेगा। क्यों ना वक्त गुजारने के लिए कुछ खेला जाए। सुना है आपको शतरंज के अलावा ताश खेलने का भी शौक है। शौक तो हमें बहुत से हैं, लेकिन कौन सा किस वक्त और कहां किया जाए इसका फैसला करना पड़ता है। तो क्यों नहीं इस वक्त फैसला ताश के हक में ही कर लिया जाए। चलिए खेल लेते हैं। लबे हमें काटने की आदत है, इसलिए हम इसे काटेंगे। आप हर चीज बांटते रहते हैं, इसलिए इसे भी आप ही बांटिए। आपने हमारे हाथ में ताश क्या दे दी, ये समझिए बाजी दे दी। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि काटेंगे हम। लो काटो। एक एक दो दो तीन तीन उठाओ। हारे गए, लेकिन पृथ्वीराज कभी हारे नहीं। इक्का ईंट का, चिड़ी का, हमारे हुक्म का, तीनों इक्के एक साथ छह। ये कैसे हो सकता है हुजूर? परशुराम, नेकी में बड़ी बरकत है। प्रिय सज्जनों, आज उस रेस का जो मुकाबला हुआ उसमें जो भी लोग शामिल हुए, हमारी कमेटी उन सबका शुक्रिया अदा करती है। आज के हमारे चीफ गेस्ट है इस शहर के मसीहा और बेताज बादशाह श्री पृथ्वीराज। आइए तशरीफ रखिए। जब से इस शहर में ऊंट की रेस का मुकाबला शुरू हुआ है तब से उसे एक ही शख्स लगातार जीतता आया है और वो है श्री परशुराम। और श्री परशुराम जी ने इस बार भी रेस जीत ली है। इस इनाम को हासिल करने के पीछे तुम पर एक लाश का कर्ज है। तुम अपना फर्ज पूरा करो। ये हम जानते हैं। हाँ गुड़िया, बस देखती जा। हाँ, कितनी सुंदर दिख रही है। हाँ, बस। हाँ,
अरे वाह गुड़िया गुड़िया। अरे ए एक मिनट गुड़िया एक मिनट। अरे अरे वो गुड़िया को लेकर भाग रहा है, पकड़ो इसे। गुड़िया गुड़िया सोचा तो ये था कि परशुराम से इंतकाम के साथ साथ जो कमी मेरे बेटे की मौत से हुई है वो मैं तुझसे पूरी कर लूंगा। चाहता तो ये था कि मैं तुझे आंसुओं की तरह आंखों में छिपाए रखूं, मगर तुझे आंसू की तरह टपका कर जाने को मजबूर। इतनी रात गए इस मासूम को यहां कौन छोड़ गया? ओ हो हो दूर दूर तक तन्हाई की गर्दो गुबार है चाचा जानी, कोई साया नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई हमारा हमें पुकारने वाला नहीं, वीरानी ही वीरानी। ये वीरान तन्हाई एक दिन हमें खा जाएगी चाचा जानी, ये वीरान तन्हाई हमें एक दिन खा जाएगी। पृथ्वीराज पृथ्वीराज तेरी वीरान जिंदगी को एक सहारा मिला है, तेरी वीरान जिंदगी को एक सहारा मिला है पृथ्वीराज। जो इस वक्त तेरे कदम पर पड़ा है इसे अपने हाथ में उठा, अपने हाथ में उठा, सीने से लगाकर अपने घर के अंदर ले जा, परवरिश करके जवान कर, इसे खिलाता देखकर खुशियों से भरी तेरी एक नई जिंदगी शुरू। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देखो सारी हवेली को रोशनी से जगमगा दो, अब चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, तेज ही तेज, तेज ही तेज। अब हम इस बच्ची को तेजस्वी के नाम से पुकारेंगे, तेजस्वी के नाम से। भाई साहब हमने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा है, उसका कहीं पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि वो आदमी ये शहर छोड़कर कहीं और चला गया है। गुड़िया नहीं मिली तो फिर किस लिए जीना, किस लिए जीना, फिर किस लिए जीना? ये तमाम शोहरत, ये लड़ाई झगड़े, ये दुश्मनी आज से तुम संभालो बाबा, आज से तुम संभालो। हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए, हम तबाह हो गए डागा। Come on!
चीता। अरे किसकी चीता, किसकी अड़ती, तुम साफ साफ बताने क्यों नहीं? वो जंगल का चीता, चीता जंगल का चीता। हाँ घबराओ नहीं, मैं अभी देखता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना वैन में बैठने के लिए, फिर क्यों चली आई? चलो। कुत्ता पालने वाली लड़कियां तो बहुत देखी हैं, लेकिन चीते का कान पकड़ने वाली लड़की तो पहली बार देखी है। ये जरूर किसी टार्जन के घराने से संबंध रखती है। अरे तुमको नहीं मालूम, ये पृथ्वीराज की बेटी तेजेश्वरी है।